दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप बॉलीवुड हीरोइनों के बारे में सुहाने सपने देखते होंगे। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की कुछ हीरोइनें ऐसे गलत काम करते हुए पकड़ी गई हैं, जिनके बारे में जानकर आप शर्मसार हो जाएंगे। श्वेता प्रसाद बासु। बॉलीवुड की चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी श्वेता प्रसाद बासु को अपना खर्चा उठाने के लिए गलत काम का सहारा लेना पड़ा। 2014 में श्वेता को हैदराबाद के एक होटल से पकड़ा गया। श्वेता ने अपने आप को बेकसूर बताया। शर्लिन चोपड़ा। कामसूत्र फिल्म से चर्चा में आई शर्लिन चोपड़ा का नाम एक संस्था से जुड़ा हुआ था, जो लड़कियों से गलत काम करवाती थी। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि मैं मजबूरी की वजह से इस पेशे का हिस्सा बनी थी। मिष्टी मुखर्जी। लाइफ की तो लग गई, फिल्म की एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी को गलत काम में पकड़ा गया था। वह एक रैकेट चलाती थी। उनके घर छापा मारने पर उनके भाई और पिता को पकड़ा गया, जो गंदी फिल्में बेचा करते थे। यमुना। यमुना कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस है। साल 2011 में उन्हें आईटीसी रॉयल गार्डन होटल से पकड़ा गया था। उनके बारे में कहा जा रहा था कि वह होटल में ग्राहक से मिलने आई थी। भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी साउथ की बहुत फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इस एक्ट्रेस को चेन्नई से अरेस्ट किया गया था। वह एक बड़े स्कैंडल का हिस्सा थी। सायरा बानो। तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस सायरा बानो को 2010 में रंगे हाथों पकड़ा गया था। वह अपने कुछ कस्टमर्स के साथ डील कर रही थी। सायरा बानो को सात और लड़कियों के साथ उनके अपार्टमेंट से पकड़ा गया था। एश अंसारी। तमिल एक्ट्रेस एश अंसारी 2011 में जयपुर से पकड़ी गई थी। वह अपने क्लाइंट के साथ मौज मस्ती करती पाई गई थी। उन्होंने बताया था कि वह बड़े बड़े रईसों के साथ रातें बिता चुकी हैं। उनकी लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिनके नामों का खुलासा उन्होंने कर दिया तो आपको विश्वास नहीं होगा। नीतू अग्रवाल। तेलुगु एक्ट्रेस रितु अग्रवाल को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। उन पर ड्रग्स की स्मगलिंग और कस्टमर्स के साथ रातें बिताने के आरोप लगे थे। उनका बॉयफ्रेंड भी एक जाना माना ड्रग्स स्मगलर था। दिव्याश्री। तेलुगु एक्ट्रेस दिव्याश्री पर भी धंधा करने के आरोप लगे थे। उन्हें कई मॉडल और एक्ट्रेस के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिन पर रैकेट चलाने का आरोप लगा था। उनकी लिस्ट में कुछ बड़े बिजनेसमैन और खिलाड़ी भी शामिल थे। कैरोलिन मारिया। यह तमिल एक्ट्रेस 2012 में गिरफ्तार की गई थी। यह एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा थी। पुलिस ने एक 5-स्टार होटल पर रंगे हाथों पकड़ा।